हे फ्रेंड्स, एक और नया दिन, एक और नया ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है बेसिकली GoPro 9 पे। मैं आपको दिखाऊंगा कि GoPro 9 की वीडियो क्वालिटी कैसी है एंड इसका स्टेबिलिटी कैसी है। तो आज मैं आपको पूरा इसका वीडियो क्वालिटी टेस्ट करने वाला हूँ। एंड जो अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये आप GoPro 9 के मीडिया मोड से सुन रहे हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि इसकी आवाज़ कैसी है। और जो अभी इसमें मोड लगा हुआ है वो इसमें 2.7K विथ 60 FPS लीनियर मोड पे लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर मोड पे कितना एरिया कवर कर रहा है। एंड मैं अभी आपको भाग के भी दिखाने वाला हूँ कि इसका स्टेबिलिटी एंड स्टेबलाइजेशन इसका कैसा है। तो आप देख सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग शूट कर रहे हैं 2.7K विद 60 FPS, वो भी वाइड एंगल पे। तो वाइड एंगल पे आप देख सकते हैं कितना एरिया कवर कर रहा है। तो मैं वाइड एंगल पे आपको भाग के दिखाने वाला हूँ कि इसका वाइड एंगल पे स्टेबलाइजेशन कैसा वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब जो आप व्यू देख रहे हैं ये 2.7K विद 60 FPS सुपर व्यू एंगल है, मतलब ये फाइनल एंगल है। इससे दूर हमारा GoPro नहीं जाता। तो आप देख सकते हैं कितना एरिया कवर कर रहा है। तो अब मैं इसमें आपको भाग के दिखाता हूँ कि भाई कैसा स्टेबलाइजेशन इसमें वर्क करता है। तो हम लोगों के भाग के तो फ्रेंड्स, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है 2.7K विद 60 FPS। इस पर मैंने हाइपर स्मूथ 3.2 ऑफ कर रखा है। तो आप इसकी स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं, अभी इसमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं हुआ है। अभी मैंने इसको ऑफ कर रखा है। अभी मैं भाग के दिखाऊंगा कि कितना फ़र्क आता है विद हाइपर स्मूथ 3.2 और विदाउट हाइपर स्मूथ 3.2। एंड अब इसका हाइपर स्मूथ 3.2 ऑन है। तो अब आप देखिए कि इसकी स्टेबिलिटी कैसे वर्क कर रही है। अब हम लोग शूट कर रहे हैं 4K 60 FPS, वो भी वो लीनियर मोड पे। तो आप देख सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी कैसे वर्क कर रही है। मैं भाग के दिखाता हूँ। मैं शूट कर रहा हूँ 4K में, वो भी वाइड एंगल पे 60 FPS। तो आप क्वालिटी देख सकते हैं कि देखिए, दिस इज 4K एट 30 FPS, वो भी सुपर व्यू एंगल। तो आप देख सकते हैं सुपर व्यू एंगल में कितना कवर कर रहा है। एंड 4K 60 FPS पे सुपर व्यू एंगल नहीं आता है, उसमें सिर्फ वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है। बट यहाँ पे आपको 4K 30 FPS पे सुपर व्यू एंगल मिलता है। अब हम लोग शूट करते हैं 5K विद 30 FPS पे लीनियर मोड पे। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। मैं भी चल रहा हूँ तो उसके स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हैं कि कैसा शूट हो रहा है। ये मैं 5K पे शूट कर रहा हूँ। अब मैं आपको भाग के दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं 5K 30 FPS पे वाइड एंगल पे शूट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना एरिया कवर कर रहा है वाइड एंगल पे। एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसकी स्टेबिलिटी GoPro 9 की कैसी लग रही है, क्योंकि भाई मुझे तो बहुत औसम लग रहा है। अभी मैंने इसको हाल ही में परचेज़ किया है व्लॉगिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, अब है 2.7K विद 120 FPS स्लोमो, वो भी वाइड एंगल पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वाइड एंगल पे कैसा काम करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग शूट कर रहे हैं 180p 240 FPS, वो भी वाइड एंगल पे स्लोमो। तो अब देखते हैं वाइड एंगल पे स्लोमो कैसा बनता है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स अब ये शूट हो रहा है वाइड एंगल पे 2.7 के विथ 60 FPS। एक्चुअली मुझे सबसे बढ़िया रिजोल्यूशन सेट करने का लगता है वो है 2.7 के, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो मैं हमेशा 2.7 के पे शूट करता हूँ एंड 4K पे इसलिए नहीं करता हूँ कि 4K पे एडिट में बहुत दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं 2.7 के पे ज़्यादा अच्छे शूट करता हूँ, ज़्यादा अच्छा रिजोल्यूशन इसमें मुझे मिलता है। तो भाई ये चेस्ट माउंट पे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी दे रहा है वाइड एंगल पे। तो फ्रेंड्स अब ये लगा हुआ है 2.7 के विद 60 FPS सुपर व्यू एंगल, ये बिल्कुल फाइनल एंगल, ये लास्ट एंगल है, इससे ऊपर हमारा GoPro 9 नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं सुपर व्यू एंगल कैसे वर्क कर रहा है एंड कितना दूर का हमें देखने को मिल रहा है। मैं भाग के दिखाता हूँ ताकि आपको स्टेबलाइजेशन बिल्कुल कायदे से दिखे। तो ये भाई सुपर व्यू एंगल काम कर रहा है 2.7 के पे। तो भाई ये रहा मेरे घर के पीछे वाली ट्रेन, ओ भाई तो फ्रेंड्स अभी जो मेरा कैमरा है GoPro 9 इसको मैं अपने हेलमेट पे माउंट करने वाला हूँ। ये रहा मेरा हेलमेट, ये देखिए इसमें पहले से मैंने माउंटिंग इस पर पहले से मैंने लगा रखा है माउंटिंग अपना। आपको वीडियो पसंद आएगी। सामने कौन है? इतनी जो है